हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन बोधि पर स्वागत करता हूं। और आज का ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो एक स्ट्रेटजी आपको बताएगा कि कैसे आप यूपीपी आने वाली परीक्षा जो 17-18 घोषित हो चुकी है तिथि, उसमें आप कैसे मैथ के 22 के 22 क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो ये एक हम स्ट्रेटजी आज डिस्कस करेंगे और एक सीरीज चलाएंगे जिसमें हम आज जैसे बताएंगे वैसे ही हम उसको आने वाले 15 दिनों में एक एक घंटे दो दो घंटे करके हम वीडियो डालेंगे, जिससे आप पूरा मैथ संपूर्ण मैथ आप इतनी अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो कि पूरे के पूरे 22 क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। क्योंकि बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं, हल्का सा एफर्ट लगाना है, टाइम बहुत कम है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं, सिलेक्टेड टॉपिक करने हैं, और उन टॉपिक्स को भी आप अगर अच्छे से कर लिए, केवल केवल जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा हर टॉपिक के, करीब 20-30 क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन हर टॉपिक के कराऊंगा, तो उन क्वेश्चंस को आपने अगर अच्छे से तैयार कर लिया तो यकीन मानिए, गारंटी है मेरी कि आपके 2200 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, 20 तो पक्के हैं बिल्कुल। और अगर आपने 20 क्वेश्चन सही कर लिए इस यूपीपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के, तो आप ये मान के चलो कि फिर आपका बहुत लीड ले लोगे। क्योंकि देखिए, हिंदी और जीएस ये लगभग जो एवरेज है वो सबका लगभग एक जैसा होता है, बाकी रीजनिंग के खैर ज़्यादा क्वेश्चन है, 55 क्वेश्चन करीब रीजनिंग के हैं, तो उसमें तो हम मेहनत करेंगे ही, और उसमें भी एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग को अच्छे से पढ़ोइए, क्योंकि क्वेश्चन लंबे होते हैं और उन क्वेश्चंस को करने के लिए रीडिंग स्किल बहुत तेज़ होनी चाहिए। आप तेज़ पढ़ो और पढ़ते समय ही सोच लो कि क्या क्वेश्चन जो है और उसमें क्या आंसर होगा। क्योंकि अगर आपने पढ़ने में टाइम लगाया क्वेश्चन को रीजनिंग के, तो टाइम बहुत लैप्स हो जाएगा, और कम टाइम है, 2 घंटे में आपको पूरा का पूरा जो है 150 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट तो करने ही है सारे। अगर अटेम्प्ट ही नहीं हो पाएंगे तब तो फिर हो सकता हो सरल क्वेश्चन छूट जाए, या कुछ क्वेश्चन अगर ऐसे हैं जो नहीं आपसे हुए, जो बाद में आते थे और नहीं कर पाए, वहाँ पर आपका छूट गया, तो फिर वो बहुत दिक्कत हो जाएगी, मतलब आपका नंबर कम चला जाएगा। अब यहाँ मैथ के क्वेश्चन इसलिए मैं बता रहा हूँ इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि देखो सरल होते हैं और बिल्कुल नंबर आपके परफेक्ट कर देंगे। रीजनिंग में हो सकता है कन्फ्यूजन हो, एनालिटिकल रीजनिंग में बहुत कन्फ्यूजन होती है ऑप्शंस में, आपको लगेगा यही ऑप्शन सही है, या लगेगा ये भी तो सही लग रहा है, ये भी तो सही लग रहा है, और वहाँ सोच विचार में टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाता है। मैथ में यह है कि आपको तरीका पता है, कैलकुलेशन इस एग्जाम में बहुत कम आएगी, कैलकुलेशन ऐसी रहेगी कि बस आप छोटा छोटा मोटा गुणा भाग करोगे आंसर आ जाएगा, और 20 क्वेश्चन जो है आप बहुत आराम से सही कर सकते हो, वो भी 20 मिनट के अंदर, ज़्यादा समय आपको नहीं लगना है, 20 मिनट के अंदर आप सही कर सकते हो। तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, तो हमारा चैनल परिवर्तन बोधि नाम से है, इसको आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर अच्छा लगे तो, और शेयर भी करना अपने ग्रुप्स में। तो हम यहाँ पर ये सीरीज पूरी चलेगी मैथ्स यूपीपी स्पेशल के नाम से, और इसी नाम से एक प्लेलिस्ट भी रहेगा मैथ्स यूपीपी स्पेशल, और उसमें हम सारे टॉपिक्स के यूनिट वाइज हम वीडियो डालेंगे, क्वेश्चंस के भी और कॉन्सेप्ट के भी, मतलब कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और उससे संबंधित क्वेश्चंस भी बताएंगे जो स्पेशली यूपीपी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले जिन लोगों ने ये चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, वो लोग जल्दी से ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको सिर्फ मात्र 10-12 वीडियो देख के ही आप मैथ में 20 तो क्वेश्चन जरूर सही कर सकते हो, 22 में से 20 तो जरूर सही कर सकते हो। थोड़ा बहुत अच्छा है कैलकुलेशन तो 22 के 2200 सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है, 15 दिन जो बचे हैं इसमें आपका आराम से तैयारी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या हमको पढ़ना है और किस पर ज़्यादा ध्यान देना है, और किन चीज़ों को क्वेश्चन ज़्यादा आता है, किन का वेटेज ज़्यादा होता है, तो इस पर हम देखते हैं कैसे। तो देखिए, मैथ्स में आप अगर देखें तो हम टॉपिक वाइज देखते हैं, जैसे देखिए पहला जो टॉपिक है वो है हमारा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति है, और इसके साथ में सरलीकरण है,
सिंप्लीफिकेशन है और लासा मासा है, SCM SCF है, लासा और मासा। तो देखिए ये टॉपिक जो है ये पांच प्रश्न आना है इससे, तो ये आप मान के चलो कि पांच प्रश्न तो इससे आना है खाली इन तीन टॉपिक से। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रतिशत, प्रतिशत है, लाभ हानि बट्टा है, लाभ हानि और बट्टा है जिससे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लस ब्याज है, और ब्याज में साधारण ब्याज और प्लस चक्रवृद्धि ब्याज जो है दोनों के क्वेश्चन आता है एक दो, और ये पूरा मिला लें अगर दोनों तो पांच या छह प्रश्न तो आना ही आना है, ठीक है। फिर हमारा अनुपात है, जो अनुपात का टॉपिक है, अनुपात और समानुपात जो एक दूसरे के पूरक हैं एक तरह से, और इन्हीं के साथ में कुछ क्वेश्चन जो है मिश्रण से संबंधित आते हैं, अनुपात में ही आयु संबंधित भी आ जाएगा, और साझेदारी जो कि सिलेबस में सीधे दिया है साझेदारी। अब ये क्वेश्चन जो है इसमें भी तीन क्वेश्चन तो, तीन प्रश्न तो बिल्कुल आते ही आते हैं, और एक औसत है जिससे एक प्रश्न बिल्कुल आता है, आप औसत देख लो तो ये एक प्रश्न इससे जरूर आएगा, एक या दो भी प्रश्न आ सकता है। तो ये जो मेन है समझ लीजिए 15 क्वेश्चन तो यही हो गया आपका एक तरह से, यानी 15 क्वेश्चन, यानी समझ लो 70% तो यही तीन टारगेट कर दिया। और इसमें भी देखिए अगर हम बात करें, ये जो तीन टॉपिक हैं, ये जो तीन टॉपिक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन्हीं से DI के सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी इन्हीं से DI के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तीन तो समझ लो बिल्कुल मैथ की बैकबोन है, जान है, प्रतिशत, अनुपात और औसत, तो इनको हमको सबसे पहले तैयार करना है। अब इसके बाद देखिए जो बचा आपका, तो इधर वाला तो बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब जो बचा आपका चाल, समय, दूरी, और इसी के साथ में ये ट्रेन के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ट्रेन से संबंधित और नाव व धारा से संबंधित, तो ये पूरा दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन तो समझ लीजिए आना ही आना है, दो क्वेश्चन तो बिल्कुल फिक्स है, दो प्रश्न, और फिर कार्य और समय, कार्य समय नल टंकी, नल और टंकी, तो ये जो है इससे भी दो क्वेश्चन करीब आ जाता है, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि करीब 19 क्वेश्चन आपके हो गए, और क्षेत्रमिति जिसमें क्षेत्रफल और आयतन दोनों आएगा, क्षेत्रफल और प्लस एक क्वेश्चन आयतन का, तो ये आपका जो है दो क्वेश्चन तो मिनिमम होता ही है, तो करीब 21 क्वेश्चन ये इस तरह से 21-22, किसी में एक बढ़ भी सकता है, हो सकता है इसमें चार क्वेश्चन आ जाए या इसमें दो प्रश्न आ जाए, तो ये आपका पूरा 20-22 क्वेश्चन का पूरा हमने आपको बताया है। अब यहाँ आपको तय करना है कि किस पर कितना समय देना है, जो हमारे पास 15-16 दिन बचे हुए हैं 15 और 16 डेज के अंदर जो है, 15 या 16 डेज के अंदर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि 7 × 14 या 7 × 21 कर लो, यानी 2 से 3 दिन देना है। जो छोटे टॉपिक हैं वो तो एक ही दिन में हो जाएंगे, जो बड़े टॉपिक हैं उनको हमको 3 दिन देना है, तो आपको यही टारगेट करना है कि किस तरह से इसको जो है हमको कवर करना है। इसमें भी जो ये वाला मेन है जो हमने बताया कि ये इस टॉपिक्स को तो बिल्कुल समझ लीजिए, इनको तो सबसे पहले तैयार कर लो, प्रतिशत का टॉपिक, अनुपात का और औसत का, क्योंकि 6 से 7 क्वेश्चन अगर हम कहें DI का भी जोड़ ले, DI के 2 प्रश्न 2 या 3 प्रश्न आता है, 1 प्रश्न भी आ सकता है, 2 या 1 प्रश्न जो है DI का आता है, तो इसमें जो DI के प्रश्न है उनमें कुछ है नहीं, या तो प्रतिशत पूछेगा, जैसे एक डेटा दे दिया, चाहे पाई रूप में दे दे, पाई चार्ट के रूप में दे दे, चाहे वो आपको टेबल के रूप में दे दे या ग्राफ के रूप में दे दे, लेकिन उस डेटा में जो पूछेगा वो यही 3 चीज पूछेगा, या तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, या प्रतिशत कमी कितनी हुई है, या फिर इस साल से इस साल कितने प्रतिशत का उत्पादन अधिक हुआ, या इस साल कितने उत्पादन कितने प्रतिशत कम हुआ, इस तरह से।
या फिर अनुपात पूछेगा कि इन इन ईयर्स के उत्पादन का इन इन ईयर्स के उत्पादन से कितना अनुपात है, या फिर औसत पूछेगा कि संपूर्ण उत्पादन का औसत उत्पादन कितना रहा, या फिर कितने ऐसे वर्ष हैं जिनमें औसत उत्पादन से अधिक उत्पादन रहा, या कितने ऐसे वर्ष हैं जिनमें औसत उत्पादन से कम उत्पादन रहा। तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो मेन टॉपिक्स हैं वो ये हैं, इसी में पूरा मैथ है, इसी को हमको 7 टॉपिक हैं 7-8 टॉपिक हम डेली 1-2 टॉपिक डालेंगे 1 घंटे 1.5 घंटे का जो है। और हमारा जो प्ले ग्रुप जो हमारा प्लेलिस्ट रहेगा यूट्यूब पर, जो वीडियो का जो प्लेलिस्ट रहेगा उसमें भी आप इसी नाम से जो अभी हमने जैसे यहाँ पर बताया था UPP मैथ स्पेशल, तो इसी नाम से हम एक प्लेलिस्ट बनाएंगे और उस पर आप सारे 10-12 वीडियो डालेंगे। उन 10-12 वीडियोस में सब में करीब 15-20 क्वेश्चन और प्लस उसका कॉन्सेप्ट रहेगा। और ये जो 7 टॉपिक हमने अभी बताए हैं आपको, ये तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये जो 7 यूनिट हमने बताई हैं आपको, 7 या 8 क्लास तो आपको करनी ही पड़ेंगी। 7-8 क्लास जो है आप अच्छे से देख लोगे, 1-1.5 घंटे की क्लास है, तो वो आपको सारे क्वेश्चन को एक बार सही से तैयार करा देगी। तो अगर मैथ में क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं, लीड लेनी है, तो देखो मैथ के नंबर ही आपको बाकी लोगों से आगे ले जाएंगे, क्योंकि बाकी तो सभी लगभग सब तैयार कर लेते हैं। बस यही होता है कि बहुत सारे बच्चों का मैथ वीक होता है, या कुछ बच्चों का मैथ जो है ठीक है, एवरेज है, लेकिन कुछ लोगों का बिलो देन एवरेज होता है। तो वहाँ पर जिनका बिलो देन एवरेज है, जो लोग बहुत कमज़ोर हैं मैथ में, फिर वो लीड लेने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, GS और हिंदी के प्रत्येक क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। लेकिन जिनका मैथ थोड़ा सा ठीक ठाक है, थोड़ा भी गुणा भाग आपको अच्छे से आता है, थोड़ा भी आप मैथ के कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत क्लियर हैं, तो वो आप इन 10 वीडियोज़ को देख के हमारे आप पूरे 22 के 22 क्वेश्चन कर सकते हो और बहुत अच्छी रैंक अपनी बढ़ा सकते हो, बहुत अच्छी लीड ले सकते हो। तो यहाँ आप एक बार इनको फिर से एक अपना प्लानिंग कर लो कि कैसे हम इनको तैयार करेंगे 10-12 दिन के अंदर। बाकी हम अब इसी सीरीज में हम ऐड करते जाएंगे, 1-1 वीडियो 2-2 वीडियो 3-3 डेली जो है, और उनको आप देख करके पूरा अच्छे से आप पूरा तैयार कर लेना, जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन के साथ हम करवाएंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा और आपको ज़रूर फायदा देगा। तो ये हमारा आज का ये था कि हम कैसे चलेंगे, वो हमने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो हम पहले इसका डालेंगे, फर्स्ट वीडियो जो है ये इस टॉपिक का रहेगा, और छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बता करके कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन इसके कराएंगे, 35 क्वेश्चन करिए, इसमें लगभग 50 क्वेश्चन कराएंगे हम, 50 क्वेश्चंस कराएंगे जिनमें से 6 आपके जरूर फंसेंगे, ये 30-35 कराएंगे जिसमें से 5 जरूर फंसेंगे, इसमें भी करीब 50 क्वेश्चन कराएंगे और औसत में भी करीब 30 क्वेश्चन हम कराएंगे। तो ये आपका एक तरह से देखें तो 100 क्वेश्चन तो इन्हीं 2 टॉपिक का हो गया, और 30-30, 60-160 क्वेश्चन यही हो गया जिसमें से आपका 15 क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा, यानी 150 क्वेश्चन मिनिमम होगा जिसमें से आप आराम से 15-16 क्वेश्चन तो कर सकते हो, और उधर भी 30 क्वेश्चन 30-30 करके जो है उनको भी हम करा देंगे। तो ये जो 15 दिन अभी बचे हैं ये बहुत क्रूशियल हैं, और इनको आपको बहुत अच्छे से अपने स्टडीज़ को इधर बिल्कुल आप ऐसे शुरू कर दो कि समय बिल्कुल नहीं है, कोई भी शादी ब्याह फंक्शन का माहौल चल रहा है इस समय, शादी ब्याह शुरू हो गए हैं, किसी को किसी के रिश्तेदार की शादी पड़ रही है कहीं है, और जाड़ा तो वैसे भी बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन आपको ये नहीं भूलना है कि इस बार जो गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उसको हमको बिल्कुल सुनहरा अवसर छोड़ना नहीं है। तो जैसा कि मेरी टैगलाइन एक थी कि इस सर्दी लेनी है वर्दी, तो आपको इस सर्दी अपनी वर्दी को मिस नहीं करना है, और बढ़िया चांस है नौकरी का, 60,000 पद बहुत होते हैं, और आप छोटा सा भी थोड़ा सा एफर्ट और लगा दो इधर 15 दिन, बहुत आराम से आपका सिलेक्शन होगा। तो ये मत सोचो कि कितना कट ऑफ जाएगा, कितना क्या है क्या नहीं है, आप बस ये सोचो कि हमको किसी ना किसी तरीके से
150 क्वेश्चंस में से 100 क्वेश्चन सही कर देना है। अगर आपने 100 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर दिए तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ये मेरी तरफ से समझ लीजिए पूरी की पूरी बिल्कुल सत्य बात है। अगर 110 कर लेते हैं तब तो बहुत अच्छा है, 110 पर तो कोई रोक ही नहीं सकता है, आपका वर्दी बिल्कुल पक्का है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हमारा सीधे पहला टॉपिक आएगा और उसको आप बस हम कल ही डाल देंगे उसको, और फिर डेली एक एक वीडियो दो दो वीडियो इधर 5 दिन में डाल देंगे और आप उससे अपना पूरा मैथ संपूर्ण मैथ तैयार कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।